फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सस्सी की रेसिपी। और फ्रेंड्स, आज हम बना रहे हैं घर के ही सामानों से, घर के ही दूध से, सबसे मिला के, कोई बाहर से नहीं खरीदना है। आज हम बना रहे हैं दूध की बर्फी, उसको कलाकंद भी बोलते हैं। आइए चलते बनाते हैं फटाफट। और फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। कलाकंद बनाने के लिए फ्रेंड्स, मैंने 1.5 लीटर दूध लिया है और इसे धीरे धीरे गाढ़ा करेंगे। ज़रूरी नहीं आप इसे खड़े होकर बनाएं, आप दूसरा काम भी कर सकते हैं गैस पर, दूसरी गैस पर। और इसको एक तरफ पकने देते हैं, धीरे धीरे पक के जब थोड़ा गाढ़ा होएगा तब आपको दिखाएंगे। इसे फ्रेंड्स दूध की बर्फी भी बोलते हैं। दूध हमारा अच्छे से दो तीन मिनट से खौल रहा है और इसे गाढ़ा होने में थोड़ा टाइम लगेगा। तब तक ये मलाई हम इसको ही खरोंच कर ये स्क्रच करके इसी दूध में मिक्स कर देते हैं। ये देखें, धीरे धीरे इसे चलाते हुए पका रहे हैं। थोड़ी थोड़ी देर में चलाना होता है, ज़्यादा नहीं चलाना होता है। ये तो अभी पक ही रहा है, अभी ज़्यादा गाढ़ा नहीं हुआ। ये देखिए फ्रेंड्स, दूध सबके घरों में होता है फ्रेंड्स, और दूध बच भी जाता है। हम लोग कभी कभी दही जमा लेते हैं, लेकिन मेरे बच्चे मीठा खाने के बहुत शौकीन हैं। वो कहते हैं दही नहीं, आप मिठाई बनाएं मम्मी। तो मैं उनकी फरमाइश पर ये दूध की बर्फी बना रही हूँ। अगर आपके बच्चे भी खाना पसंद करते हैं मीठा, तो आप भी झटपट से बनाएं और बच्चों को खिलाएं। फ्रेंड्स, ये देखिए हमारा दूध गाढ़ा हो गया है, ये देखिए। और इसमें हम अब चीनी डालेंगे। चीनी ज़्यादा ही डालेंगे फ्रेंड्स, हमारा 1.5 लीटर दूध था, सो हम 3 चम्मच चीनी डालेंगे। ये देखिए, मार्केट में तो बहुत ही मीठी बनाते हैं। ये देखिए 3 चम्मच चीनी पड़ गई है। चीनी पड़ते ही थोड़ा सा दूध हमारा पतला हो जाएगा और इसे फिर से गाढ़ा करेंगे। थोड़ा सा 2 मिनट और पकाएंगे। चीनी हमारी फ्रेंड्स घुल गई है और ये देखिए कितना गाढ़ा हो गया है। और इस स्टेज में डालते हैं थोड़ा सा विनेगर, 1 चम्मच विनेगर डालेंगे, ये इतना, ज़्यादा नहीं डालेंगे फ्रेंड्स। और 2 चम्मच पानी, ये देखिए 2। इसमें भी हम कम डालेंगे, यदि इतने में थोड़ा हमारा दूध दानेदार हो गया है तो फिर नहीं डालेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, धीरे धीरे डालेंगे। अभी हम इतना डाल रहे हैं, अगर इतने ही हमारा ये दानेदार हो जाएगा मावा तो फिर नहीं डालेंगे। कोई पनीर नहीं, कोई कुछ नहीं डालना, सिर्फ दूध से ही हम दानेदार बर्फी आपको बना के दिखाएंगे फ्रेंड्स। ये देखिए, अब इसे और थोड़ा गाढ़ा करना। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने आधा पानी डाला था विनेगर का और हमारा दूध दानेदार हो गया है। अब इसे और थोड़ा सा पका लेते हैं 4-5 मिनट, फिर हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे दानेदार, ये देखिए कलाकंद बन के तैयार हो गया। दूध की बर्फी भी बोलते हैं इसे। और इसे हम कढ़ाई में ही ठंडा होने देंगे और फिर बाद में हम जमाएंगे इसको। इसको फैला के कढ़ाई में ठंडा होने के लिए रख दे रहे हैं। ये 5-6 मिनट में ठंडा हो जाएगा, फिर हम जमाएंगे इसको। गैस को बंद कर दे रहे हैं फ्रेंड्स। ये थोड़ा थोड़ा ठंडा हो चुका है और फ्लेवर के लिए थोड़ा सा डालेंगे वनीला एसेंस। ये पूरी तरह ऑप्शनल है फ्रेंड्स, अगर आपके पास हो तो डाल दीजिए, नहीं तो नहीं, कोई नहीं। ऐसे ही बहुत ही टेस्टी है। मिक्स कर देते हैं इसको अच्छी तरह। ये मिक्स हो गया हमारा और मैंने इसको ग्रीस कर लिया देसी घी से और इसीलिए इसको जमा देते हैं। ये देखिए, ये हमने फैला दी दूध की बर्फी। और गार्निश के लिए थोड़ा सा पिस्ता डालेंगे, ये इतना। और इसे जमने के लिए छोड़ देते हैं, 1-2 घंटे में अपने आप ही सेट हो जाएगी। कुछ नहीं करना, फ्रिज में भी नहीं रखना है। और इसके रख देते हैं फिर, ये देखिए बस छोड़ देते हैं जमने के लिए। 30 मिनट में हमारी बर्फी अच्छे से सेट हो चुकी है और आइए इसे पीसेस कर लेते हैं। ये देखिए, थोड़ी सी बड़ी पीसेस कर लेते हैं हम। हमारी फैमिली बस 4 लोग हैं, 4 लोगों के लिए परफेक्ट मिठाई अच्छी बनी हुई है।
ये देखें फ्रेंड्स हमारी पीसेस कितनी अच्छी है, प्लेटिंग कर लेते हैं। सो फ्रेंड्स हमारी ये कलाकंद दूध की बर्फी बन के रेडी हो चुकी है और ये इसका मार्केट में बहुत हाई दाम होता है, ये घर पर ही जैसे हम लोग दूध बच जाता है उसी से हमने बनाई है। और ये देखिए एकदम दानेदार बर्फी है, एकदम दानेदार मुंह में घुलने वाली। फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए।